वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं तीन आध्यात्मिक कुओं के बारे में। वेल्स कुआं होता है पानी निकालने वाला, जो कि मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं, और इन कुओं के बारे में मनुष्य को जानकारी नहीं है, और इससे निकलने वाले पानी से ही मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, या आप किसी किस्म के आध्यात्मिक ज्ञान की कल्पना कर सकते हैं। जब तक इन तीन कुओं में से, जब तक इनमें हलचल ना हो, इनमें पानी ना निकले, तब तक आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, हम इस प्रकार से कह सकते हैं। और ये बिल्कुल सत्य है। एक तो बहुत साधारण सा कुआं, सबसे पहला जो कुआं है वो आप जानते हैं जब तक आपके चक्र जागृत नहीं होंगे आपको कोई ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। तो आपके जो मूलाधार, तो पीछे एकदम टेल वर्टिब्री लगा रखी है, वो एक कुआं है, ठीक है। वो क्या है? एक कुआं, एक पहला कुआं तो वही है, वो सब जानते हैं। उस कुएं के भीतर कुछ लिक्विड रखा हुआ है और उस लिक्विड को ऊपर को उठाया जाता है, ठीक है। वो एक किस्म का लिक्विड है, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। वो है लिक्विड ही। अब किस किस्म का लिक्विड है या उसका नेचर कैसा है या उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, इस पर मैं चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मुझे एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लिक्विड है, ठीक है। तो एक कुआं तो आपके टेल वर्टिब्री में है, जिसको कोई समझदार गुरु या कोई जानने वाला जो जागृत आपको कर सकता है, या अवेकनिंग अगर आप किसी भी तरीके से हो सकती है, तो वो उस लिक्विड को ऊपर को फेंकेगा, ठीक है। और आपकी जागृति, आर्थिक मतलब आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो आवश्यक है। दूसरा कुआं जो है वो इस साइड में होता है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। ये जो है ये एक डीप सीटेड कुआं है, इसके बारे में किसी को, ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। ये कुएं में, कुआं क्या है, ये मतलब एक किस्म की एक बहुत पतली सी कोई एक मतलब गहराई में गई हुई चीज़ है। इसके अंदर से भी कुछ निकलता है, ठीक है, इसके अंदर से भी कुछ निकलता है। ये शरीर का दूसरा कुआं है, और मैं जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ, वैसे मुझे तुम्हें पहले तीसरे कुएं के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, तुम पहले दूसरे कुएं के बारे में सुनो। ये जो है, ये जब इसकी ग्रोथ होती है, जब इससे जब पानी, इससे जो चीज़ निकलती है, एक लिक्विड है, ठीक है, वो भी एक लिक्विड टाइप का होता है, वो काला लिक्विड निकलता है, ठीक है। जो पहले कुएं से जो लिक्विड निकलता है ना, वो एक डल कलर का होता है। उसकी प्रॉपर्टी मतलब तुम समझ लो, उसका जो कलर है वो मतलब हल्का सा ब्लूइश कह सकते हो, या हल्का मतलब वैसे होता है, डल डल सा। लेकिन इससे जो पानी निकलता है वो काला होता है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर वेल, ये पर्टिकुलर जो कुआं है, ये काला पानी निकालता है, समझ रहे हो। और ये काला जो निकलता है इससे, ये एक डीप सीटेड चीज़ है, और ये पूरे तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा, ठीक है। तो पहले कुएं का पानी है वो नीचे से खींचा जाता है, यहाँ पर आके फंसता है, उसे फिर एक निकाला जाता है, और फिर उसको मुंह से फैला दिया जाता है। पहले की कहानी समझ लो यार, फिर से वो जो पहले कुएं का पानी है, जो टेल वर्टिब्री से, वो ऊपर आता है, ऊपर निकाला जाता है, उसको फैलाया जाता है। जो दूसरे कुएं का पानी है उसको ऐसे करके उठाया जाता है, ठीक है, और वो काला होता है, और उसे फैला दिया जाता है पूरे शरीर, वो आपके हर जगह फैल जाएगा, वो आपकी बॉडी में रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। जबकि पहले वाले का जो पानी होता है बॉडी के बाहर को निकलता है, फेंक दिया जाता है थोड़ा, ठीक है। अब तीसरे कुएं की तुम्हें बात बताता हूँ, दो कुएं समझ गए, तीसरा कुआं समझो। जो तुम्हारे शरीर में तीसरा कुआं है वो हार्ट में है, ठीक है। जब तुम कभी कोई गुरु या तुम्हें कोई सिद्ध कोई तुम कुछ दे दे, तो तुम पाओगे कि यहाँ पर एक डीप सीटेड वेल है। एक तुम्हें ऐसा लगे जैसे कि तुम्हारे नीचे एक नोजल टाइप की लंबी सी, ठीक है, वो चीज़ बहुत अंदर तक घुसी हुई है, और वो अंदर से ऐसे 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 करके चल रही है, ठीक है। तो इस कुएं से पानी तो नहीं निकलता, लेकिन ये एक कुआं है जिसमें कुछ होता है, ठीक है, इससे पानी नहीं निकलेगा। तो ये तीन कुएं हैं, लेकिन ये कुछ होता नहीं है इसमें, ये इसमें क्या है, परमेश्वर ने साफ कहा है, और इस कुएं के आसपास बिजली कड़क सकती है। ये बात तुम समझ लेना, मेरी बात ये बहुत रहस्यमयी है, लेकिन इसको तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन इस कुएं के आसपास बिजली कड़क जाती है, ठीक है। तो ये तीन आध्यात्मिक कुएं हैं, जो अगर तुम्हारे विकसित हो गए, तो तुम
आध्यात्म में उन्नति करोगे। पर ये ऐसा होता किसी के साथ नहीं है, ये रेयरिस्ट ऑफ द रेयर केस है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। मेरा वैसे एक किसी का एक कुआं जाती जागृत होता है, किसी का दूसरा। जनरली लोग क्या करते हैं कि बस कुंडलनी जागरण में लगे रहते हैं मूलाधार से, और पानी निकाल के शस्त्रार्थ तक पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं कि एनर्जी ऊपर पहुँच जाए। ये दो कुओं के बारे में उनकी जानकारी शून्य है, इसलिए मैंने तुम्हें ये दो एक्स्ट्रा कुएँ बताए। जो तो काला पानी निकलने वाला कुआँ है, ये काली एनर्जी है, ठीक है। और ये जो ड्वेल करता है श्री जो परमेश्वर का एटम पर एटम, ठीक है, जो परमात्मा का एटम जीव का जो पूरा चलाता है जिसको, वो इसी में ड्वेल करता है, तो वो दैट इज़ वेरी डीप सीटेड, ठीक है। तो अब देखो, अब जीसस क्या कहते हैं, जीसस बाइबल में तुम्हारे एक चीज़ पर डालते हैं कि एक विनयार्ड है, उसमें एक वाइन प्रेस है, उसमें डीप उसमें कुछ अंदर को डाला गया है, और उससे ऊपर से वॉच टावर लगा दिए गए हैं, उसको पैराबेल ऑफ दी विनयार्ड कहते हैं, ठीक है। उससे देख रहा है कोई, तो उसे पढ़ लेना। ये जो डीप सीटेड वाइन है, अब ये जो डीप सीटेड ग्रेप वाइन है ना, जो अंदर घुसी हुई है, ठीक है, तो ये जो तीन है, ये जो वाइन्स हैं उनकी लैंग्वेज में, तो दैट इज टेकन आउट बाय गुरु, रिपीटिंग द पॉइंट। तो अब इन तीन आध्यात्मिक कुओं के बारे में मैंने आपको बताया, उम्मीद है आप समझेंगे, ठीक है। और आप कोशिश करेंगे कि ये कुओं से आपका पानी निकले और आप इस मधुर जल का आनंद लें। धन्यवाद।